अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग है जी हमारा ट्रैवल व्लॉग, और लास्ट डे है हमारा कतर में क्योंकि हम पैकिंग कर रहे हैं। और मतलब पैकिंग हो गई है, थोड़ा बहुत कुछ रह गया है, बस एक दो चीज़ें रह गई हैं और कुछ सामान इधर रखा है और कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है डोर के पास। और अभी कर्टन्स वगैरह भी बनने हुए हैं। आपको पता है हमारे देसी लोगों का हमारा इतना सामान होता है ना, समेटा नहीं जाता। तो फिर बच्चों के कपड़े वगैरह भी हैं, तो इस वजह से यहाँ पे सारा लगेज हमारा पड़ा हुआ है। और मतलब एक दिन रह गया, कल का दिन है हमारे पास। तो क्योंकि हमारी रात सुबह मतलब सुबह के 2 बजे की फ़्लाइट है, और मतलब घर मैंने फिर अभी टाइडी किया है, रूम थोड़ा सा जो है ना खिचपिच हुआ हुआ है, और बाकी किचन वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया है। ये मैंने अपने लिए बैकपैक रेडी किया है जो मैं कैरी करूँगी, और इसमें मैंने अपनी सारी जो है ना ग्लासेस वगैरह ज़रूरी चीज़ें, पासपोर्ट सब कुछ रखने के लिए। और फिर क्योंकि मैं हमेशा बैकपैक ही लेके जाती हूँ, ट्रैवल के लिए इजी हो जाता है, स्पेशली अगर बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है। और फिर नेक्स्ट डे रात को 11 बजे हम घर से निकल गए थे, तकरीबन 11:30 निकले थे मेरे ख्याल से, और 12 o'clock तक पहुंच गए थे एयरपोर्ट। और फिर उसके बाद जो है हमने अपना गेट वगैरह ढूंढा था, जो कि इतना पता नहीं C89 करके कुछ मुझे गेट मिला हुआ था, चल चल के फिर वो जाना था ग्राउंड फ्लोर पे। तो बहुत ही भाई इस बार तो हमें बहुत थकाया कतर के एयरपोर्ट पे ना, मतलब इतनी रश थी। एक तो क्योंकि मुझे लगता है वेकेशंस का सीज़न है, तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी थी, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स भी थे, सबका लेओवर होता है मेरे ख्याल से। तो जी फाइनली मैं पाकिस्तान पहुंच चुकी हूँ, और 1 वीक हो गया है तकरीबन, लेकिन मेरी बिल्कुल भी जो है ना फिल्म कुछ भी करने के तरफ ध्यान नहीं था, क्योंकि फैमिली होती है तो उनसे मिलना होता है। अभी फ़िलहाल मैं विंडो के पास बैठी हुई हूँ, और यहाँ पर मेरे पापा के जो है ना खूबसूरत कबूतर बैठे हुए हैं, जो कि मैं अभी जूम बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। तो ये रे जी पापा के खूबसूरत मेरे कबूतर। इस मासूम की पता नहीं तबीयत ख़राब है या ये छोटा है, मुझे नहीं पता इसके साथ क्या मसला है। ये चल नहीं सक रहा, मतलब चलता है लेकिन ये बैठ बैठ के खाता है। और ये जी हमारा स्नो बैठे हुए स्नो जी, भगोड़े स्नो जी जो भाग जाते हैं घर से। स्नो 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 एक पिक्चर बना दे तो बेटा, थंबनेल की कितना क्यूट है ना स्नो। बस 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 उसको ज़्यादा टच नहीं करें बेटी। अच्छा ये स्नो की वाइफ है मिस्टी। मिस्टी और उसकी पिक्चर नहीं बनाई। मिस्टी उसकी भी पिक्चर नहीं बनाई। टाइगर 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 आ जाए तब की बात है। डियाना डियाना टाइगर जी टाइगर बस टाइगर ज्यादा पास नहीं आएगा। बहुत पीछे बस बस बस। तो यहाँ पे मेरी मामा के गार्डन के रोज़ेज़ हैं और इंतहाई खूबसूरत पूरे बंच में जो है ना ये लगे हुए थे। अभी थोड़े से ज़्याला बारी हुई है जिसकी वजह से कहते हैं कि टूट गए हैं और ख़राब हो गए काफ़ी। फिर उसके बाद जी हमने खाना शाने की तैयारी हुई हुई थी और यहाँ पर खाना रेडी किया हुआ था घर वालों ने। तो होपफुली आपको ये बड़ा ही अजीबो गरीब सा ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।